चलो सुनना यार, अब चले गए प्यार में गोलमाल देखने चले। नहीं यार, मेरी जिंदगी में ना अलग ही पिक्चर चल रही है। क्या हो गया? सुबह सुबह ना जीजाजी से लड़ाई हो गई यार। क्यों? अरे यार, अजीब से फंडे लड़ा रहे थे अपने। अरे उन्होंने मुझसे बोला कि उनके घर में दूध खत्म हो गया, तो मैंने बोला कि मुझसे ले लेते, लेकिन बोले नहीं इलायची जी, हम आपसे कुछ नहीं ले सकते क्योंकि हम बहुत खुददार हैं। ओह यू सो क्यूट यार, ये लो खुददार होने वाली सेल्फी। सेल्फी क्या ले ली, हॉर्न बजाएगा। चुप, हटो यार, जगह दो। मंगीलाल जी साहब जी, आज ना पिंकी जी छिड्डो के लिए एकदम स्पेशल वाला गाजर का हलवा बनाने वाले, ऐसे एकदम देसी घी डाल के एकदम मजा आ जाएगा। तुझे पता है आज ना पिंकी जी का मन ना लग रहा है थाने में एकदम। साहब जी, वो रामचरण का केस पेंडिंग पड़ा है, तो तफ्तीश के लिए चलें? अरे क्या बात करें, ना ना ना, कहीं ना जाने वाले पिंकी जी। आज आज पिंकी जी बस गाजर का हलवा बनाएंगे यही। हाँ अच्छा, तो साहब जी अगर कमिश्नर साहब पूछे तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब क्या देंगे, अरे कह देंगे कि सर चल रहा है, तफ्तीश हो रही है, सब हो रही, क्या उसमें क्या और क्या? और बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ अपना। गुड मॉर्निंग सर। जय हिंद। अरे जय हिंद सर, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की सर? अब पिंकी जी को बुला लेते, पिंकी जी आपके पास चले आते। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर, मेरी आज दिन तक ये नहीं समझ में आया कि तुमने पुलिस थाने में जो है रसोई घर खोल के रखा है या रसोई घर में थाना खोल के रखा है। रसोई घर में थाना। साहब जी, मैं तो ये कह रहा थी कि आप ना सर्वगुण संपन्न हो। सही कह रहे हो मंगी। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर, तुम्हारे इसी गुण को देखते हुए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। एक हफ्ते के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी बिल्ली का ध्यान रखना पड़ेगा। और याद रहे, मैंने अपनी बिल्ली को अपनी बच्ची की तरह पाला है, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ना ना, आप चिंता मत कीजिए सर, पिंकी जी है ना, आपको पता नहीं पिंकी जी बिल्ली मतलब बहुत पसंद करते, बिल्ली फेवरेट है पिंकी जी की। अपना सर, आपकी बिल्ली कहीं नजर ना आ रही सर, आप लेके नहीं आए साथ? मैं उसे बाहर बांध के आया हूँ। अच्छा ठीक। अपना सर, आपकी बिल्ली तो पिंकी जी को बाहर कहीं नजर ना आ रही सर। अरे इतनी लंबी चौड़ी बिल्ली, वो देखो ना पुष्पा उसे घास खिला रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रही है? बिल्ली ए लो खा लो। बिल्ली सर, लेकिन वो तो बकरी है। वो बकरी नहीं, बिल्ली है सर। लेकिन बकरी बिल्ली कैसे हो सकती है सर? अरे प्यार से अगर बिल्ली नाम रखा जाए तो क्यों नहीं हो सकती है? हाँ हाँ, हो सकती है। सुनो कि खुददारी और स्वाभिमान ठीक है, लेकिन पति पत्नी में ये हिसाब किताब कैसा? अब वो कल जो पैसे कमाएंगे मैं उनसे बिना पूछे ले लूंगी, इसमें तो सोचना क्या है यार? यार इनू सबकी सोच तेरे जैसी महान नहीं होती ना। और यार तू तो टेंशन क्यों ले रही, शादी को टाइम ही कितना हुआ है, 6 महीने होने थे, तू तो जैसी बीन बचाएगी ना जीजा जी वैसे ही नाचेंगे। तो चल चल भुट्टा खाते, टेंशन मत ले आज। लेना भैया। सर। यस। आपकी बिल्ली ना घास नहीं खा रही। ओ, एक काम करो, उसे शाहरुख के गाने सुनाओ, क्या बिल्ली का फेवरेट है ना, खाने लगेगी घास। ओके सर। बिल्ली, सर ने कहा है तुझे गाना बहुत पसंद है, अब देख मैं गाना सुनाती हूँ। Hmm.
इंस्पेक्टर पिंकी। हाँ जी सर। एक बात का ध्यान रखना कि मैं अपनी बिल्ली नहीं अपनी अमानत तुम्हारे पास सौंप के जा रहा हूँ। उसे अगर एक खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और मंगी तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अपना सर आप चिंता मत कीजिए सर, पिंकी जी अपनी जान पर भी खेल के बिल्ली को आंच नहीं आने देंगे सर, बड़े प्यार से ऐसे ऐसे करके रखेंगे सर, पालेंगे। हाँ गुड सर। यस। मैंने गाने भी सुनाए फिर भी बिल्ली घास नहीं खा रही, आवाजें निकाल रही है बस। अच्छा कैसी आवाज है, ऐसे तो नहीं कहीं ऐसी तो नहीं निकाल रही? मैं। हाँ सर ऐसे ही निकाल रही थी मैं। पिंकी। हाँ जी सर। क्या है ना कि मेरी बिल्ली को अपने पापा की याद आ रही है। ओहो। बहुत इमोशन है उसके अंदर। अच्छा एक बात का खास तौर से ध्यान रखना। हाँ जी। बहुत लाड प्यार से पाला है ना। हाँ। तो मेरे जाने के बाद थोड़ी थोड़ी देर में उसे चिपक करना, मीठी मीठी पप्पियां देते रहना तो बहुत खुश हो जाएगी बेचारी मेरी प्यारी बच्ची। ना सर ये जो एंड में आपने कहा है सर वो जरूरी है सर। ना ना पिंकी जी को ना प्रैक्टिस ना रही सर, छिड्डो गई हुई है मायके कुछ दिनों से। तुम्हारी बीवी गई हो मायके या ना गई हो याद रखना, अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हें जरूर मायके भेज दूंगा। मेरी बिल्ली को कुछ नहीं होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना। हाँ। मैं चलता हूँ। ओके। जय हिंद सर। हाँ जय हो। सर मैं बिल्ली को घास खिलाकर आती हूँ। हाँ दो। बिल्ली अब तुझे खाना है खा, नहीं खाना तो मत खा। मैं ना मैं जा रही समोसे खा के आ रही हूँ, मेरे खा के आने तक का ये खा के पूरा खत्म कर देना। हाँ बिल्ली घास खाई। अरे ये क्या मजाक हो रही है यहाँ पे, बकरी को कोई मतलब ऐसे बिल्ली बुलाते हैं क्या? जैसे सियार को पिंकी बुलाते हैं। तैयार, हर वक्त अपने फर्ज के लिए तैयार इंसान को पिंकी बुलाते हैं, ये बोल रही था साहब जी मैं। बिल्कुल सही बोल रही है तू। वैसे साहब जी आप बिल्ली को संभाल लोगे ना? मंगीलाल पिंकी जी को ना अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी जान पर कितनी बार खेलना पड़ा है, इस बार फिर खेल लेंगे उसमें क्या, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। वो देखता रहे इधर उधर, पिंकी जी का गाजर का हलवा रुका हुआ है। इतना मूड खराब है ना कि ऐसा लग रहा है भुट्टा नहीं बल्कि करेला चबा रही हूँ। फिर भूल जाना बात को। कैसे भूल जाऊँ, इतनी बड़ी भसड़ मचाई है मैंने, कितना सुना दिया यार उन्हें। पर ये लोग जीजा जी के लिए कोई नई बात नहीं, उन्हें आदत हो चुकी है, वो चिकना मटका बन चुके हैं। प्लीज टेंशन लेनी बंद कर यार। और अब बुरा लग गया तो इस बात का तो लग भी गया तो क्या ही कर लेंगे, अंकल जी के हाथ से दूध का ग्लास लेके भाग जाएंगे या फिर कोई दूध की डेयरी लूट लेंगे ना, और क्या ही कर लेंगे। जिस हिसाब से उन्हें सुनाया ना कुछ बहुत बड़ा ही करेंगे, वो छोटा मोटा नहीं करेंगे, बहुत डांटा है मैंने, जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं जीजा जी। यार क्या जिंदगी होगी, ये साला 6 रुपए के दूध वाली चाय नसीब नहीं हो रही, लानत। बकरी क्या सोच रहे हैं जीजा जी, ये बकरी चुराएंगे आप या बिना दूध की काली चाय पिएंगे, बताइए मुझे। अगर मेरे घर से दूध नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप, बोलिए बताइए जीजा जी, बताइए मुझे। ये बकरी चुराएंगे आप? नहीं 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 नहीं
से कोई ऐसे बात करता है, हैं? नहीं, अब जी हमसे लेन देन करेंगे। अरे यार पिंटू जी, मैं कह रही हूँ ना आपसे, पापा की बात का गलत मतलब निकाल लिया आपने। बिल्कुल सही मतलब निकाला हमने सुनीता जी, हम सच बता रहे हैं, अब ना उनके पास खड़े होने में भी डर लग रहा है हमको, पता ना कब लपक ले। पिंटू जी, पापा की आपको तंग करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनीता जी, मैंने आपको गोद उठाना चाहता हूँ, आपकी सौतेली में बन के गोद लेना नहीं चाहता, बहुत फर्क होता है गोद गोद में। अच्छा सुनो मेरी बात, ये सब छोड़ो, आप फिल्म देखने चलोगे? पड़ोसन बड़ी बदमाश है, यही फिल्म दिखाने ले जा रहे थे आपके पिताश्री हमको। बताओ मैंने कब उनको छेड़ा, कब उन्हें देख के आंख मारी जो उन्होंने ऐसी चरित्रहीन छवि बना रखी मेरी अपनी नजरों में। नहीं पिंटू जी, आपने पहले डिसाइड कर लो आपको प्रॉब्लम किस बात से है। ये बात से प्रॉब्लम है कि फिल्म दिखाने लेके जा रहे हैं, कि ये बात से प्रॉब्लम है कि उनकी नजरों में आपकी क्या छवि है। हाँ दे यार। पिंटू! अरे यार अब इसे क्या चाहिए, ये क्यों गला फाड़ रहा है? अबे आ रहा है पिंटू। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। बकरी? ये बकरी नहीं, ये दूध का जुगाड़ है। आज के बाद तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे दूध के लिए। काली चाय का अंत होता है अब। ओ भाई थोड़ा ठंड रख ले, आराम से बात कर। क्या बकरा यार, मेरे कुछ समझ ही ना आ रहा है। ए यार तू ना एक नंबर का गधा है यार। भाई बकरी दिख रही है ना तेरे को, बकरी का दूध निकालेंगे और रोज सुबह दूध वाली चाय पियेंगे और क्या करेंगे इसका। अरे वाह पिंटू जी, रोज दूध वाली चाय पीने वाली सेल्फी। प्लीज। वाओ बकरी। जीजा जी कहाँ से ये बकरी? कहीं से, किसी की चुरा वुरा तो नहीं लेना? नहीं नहीं, हम क्यों चुराएंगे इलायची जी, हम क्यों चुराएंगे, ये हमने अपने दोस्त से किश्त में लिए। अबे कौन सा दोस्त, अपना तो कोई दोस्त बकरी वाला ना है। है ना वो अपना अपना वो सुखी सुखी। अपना सुखी? अच्छा वो फतेहपुर वाला? लेकिन उसके पास तो नहीं। नहीं फतेहपुर वाला नहीं। अच्छा वो गजौरा वाला? लेकिन उसके पास नहीं। नहीं गजौरे वाला नहीं। फिर वो धामपुर वाला? अरे छोड़ना भाई, क्या लेना तुझे यार, कौन से गांव से, क्या क्या करना है तुझे यार, दूध आ गया है ना, तो मतलब बकरी आ गई है ना, दूध का परमानेंट इंतजाम हो जाएगा ना यार, सवाल पूछ रहा है। हाँ, वैसे नाम क्या सोचा है इसका? जी आप ही बताइए ना। मैं? जी रसमलाई। रसमलाई? बकरी का नाम रसमलाई? हाँ तो दूध से ही बनती है ना रसमलाई। नहीं ठीक है बिल्कुल जैसा आप कहें और सही है। इलायची जी हम ना अभी चलते हैं उधर, दरअसल क्या है कि हमें तैयार होना है, वो दुकान भी खोलनी है ना। रसमलाई तेरी पहली वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जाके बाद मेरे बाल भी सेट कर दिए यार। बस थोड़ा सा रुक जा, अभी करता हूँ 2 घंटे में। 2 घंटे में? अरे अबे क्या कर रही है तू? करूँ मैं? एक पौधे का ध्यान ना रख पा रही तू ठीक से, कम से कम कोई काम तो ठीक से कर ले। अरे तो ये पौधा क्या मेरी वजह से गिर रहा है क्या? तुम भी नहीं इलायची के पापा, मेरे तो भाग ही फूट गए। चलो उतरो। तू भी जो है बिजली का काम छोड़कर रिक्शा चला रहा है, यहाँ पे पिल रहा है एक दूसरे के, वही कर अपना बत्ती का काम, चल ये पकड़ो पौधा। हाँ चलो भैया, चल चल हो गया, आजा आजा सीढ़ी। हाँ हाँ आ जाओ सीढ़ी बैठो। क्या हो गया सीढ़ी, सुबह सुबह बागवानी शुरू कर दी क्या? अबे ये पौधा ना है, गुरुजी का आशीर्वाद है। सीढ़ी आशीर्वाद तो सर पे हाथ फेर के दिया जाता है, अब क्या मोहल्ले में गमला सर पे रख के घूमोगे? कभी तो अकल की बात कर लिया कर,
समझ रहे हैं? ये पौधा साधारण पौधा ना है, पता है इसमें मेरी तरक्की छुपी हुई है। इस गमले में? हाँ। अबे हाथ मत लगा। अरे तुझे पता है पूरे साल में ये पौधा एक फूल देता है बस, और वो एक फूल ही मेरी पूरी बगिया को जो है वो हरी भरी कर देता है। अरे जाओ ये भी लेगा आशीर्वाद। सीढ़ी तुम्हारी बगिया तो पहले से कितनी हरी भरी रखी है, तुम्हें किसी की कमी है? अरे तू ना जानता है, पता है आजकल जो है यार लोटे धंधा जो है वो बहुत मंदा चल रहा है। तुझे पता है लोगों ने शादी करनी छोड़ दी है। अबे शादी क्या मतलब, अगर शादी कर भी रहे हैं तो दुल्हन को अपनी अम्मा का पेटीकोट पहना के घुमा रहे हैं। सोच ले दुल्हन जो है पेटीकोट पहन के घूम रही है। वो तो ऐसे जी। सुन बहुत जरूरी काम है, मैं निकल ले हूं, ठीक है, क्योंकि इसके खाने का समय हो गया है। पेड़ की? हाँ। अच्छा? अरे तू चुप रहे, पेड़ के ये मेरा बच्चे की तरह है। सेठी कहीं हमें कुछ खिला दिया करो, पेट यहाँ से अंदर जाके पीछे से निकल रहा है सेठी। अबे तू चुप रहे, अब देख ये आ गया है, अब देखियो आ जा। और इलायची कैसी है? अबे दूंगा एक गाल पे तेरे। आजा। पौधा करू? करू सुन करू, बस हम और तुम जो है मिलके इस पौधे की देखभाल करेंगे और आप हमारी तरक्की में देखभाल करियो। है हाँ, और मेरे छटंकी भैया पे भी थोड़ी दया दृष्टि रखना, उनका ना बहुत भारी तगड़ा कुछ दिलवा देना। हाँ बैंक में ढाका डलवाएगी क्या अपने भाई से? बड़ा तगड़ा कुछ दिलवा देना, बात कर रही है बेकार की। हाथ जोड़। ठीक से। हाँ तो तुम क्यों चाहोगे कि मेरे भाई का कुछ अच्छा हो? मैं तो भागे फूट गया। पापा मम्मी ठीक है? बेटा ये ना गुरु जी का आशीर्वाद है। सुन सुन सुन, तू मत हटे, मत हटे। ओह यस। देखिए आप मेरे पापा का काम बढ़ा देंगे तो उसके बाद मेरी पॉकेट मनी भी बढ़ जाएगी, है ना पापा? अरे तू देखती जा। अबे ओ टंटन! सेठ जी पंचम। अबे बारा बाहर निकल। क्या हुआ सेठ जी? डरा जी तू अगर यहां है तो वहां मेरा मजाक कौन उड़ा रहा है? कैसा मजाक सेठ जी? देख जब भी कहता हूं, जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं जब भी कहता हूं मैं मेरा मजाक उड़ा देता है कोई ऊपर से। सेठ जी उधर असल क्या है कि हमने बकरी रखी है, रसमलाई। रसमलाई? जी सेठ जी, दूध देती है बकरी है। वो क्या ना कि महीने के आखिर में हमारे पास पैसे नहीं बचते थे दूध लेने के लिए, तो हमने बकरी पाल ली। वाह जीजा जी, पैसे बचाने में एकदम पापा की तरह सोचने लगे हैं आप। वेल डन पापा, आपके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बहुत अच्छे। अब मैं ना बकरी के दूध की खीर बनाऊंगी और तेरे पापा की पसंद की फिरनी भी। अरे क्यों ना बनाएगी, क्यों ना बनाएगी भाई। और सुन इस बकरी का पाव पाव भर दूध रोजाना मेरे घर पे भिजवा दियो, समझ रहा? हम क्यों देंगे दूध? बकरी कहाँ रखेगा? सेठ जी छत पे। छत किसकी है? आपकी। हाँ
सेठ जी ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है, ये कोई कारण नहीं है सेठ जी, मतलब तक ठीक है, इसे छोड़। तो नमक किसका खाता है? आपका। बकरी किसका नमक खाती है? हमारा। तो तेरे जरिए कहीं ना कहीं मेरा नमक खा रही है ना, इसलिए पाव भर दूध पर मेरा हक है। ठीक है सेठ जी। और सुन, ये जो पौधा है ना आजोड़, हाँ इसको कुछ ना होना चाहिए। तेरी बकरी ने अगर इस पौधे को कुछ किया तो तू और तेरी बकरी दोनों छत से गायब। ठीक है सर जी। हरी चुंगप वो क्या होता है? ये बाद में बताऊंगा। अच्छा